पीथमपुर की कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा कंपनी में किए गए गबन के आरोप में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 7 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक केसी यादव ने बताया कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 स्थित एवन मेडिकोज प्राइवेट लिमिटेड में अकाउंटेंट ब्रजेश मंगल द्वारा कंपनी के अकाउंट से अपने अकाउंट में धोखाधड़ी पूर्वक राशि ट्रांसफर कर अमानत में खयानत की गई थी। कंपनी में हुए ऑडिट में वर्ष 2015-16 में कंपनी की राशि शेयर मार्केट में लगाकर आरोपी ब्रजेश बंसल ने 1 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का गबन किया गया। गबन की शिकायत थाना पीथमपुर में कंपनी के प्रबंधक द्वारा की गई थी, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध का अनुसंधान आरंभ किया गया। शासन की ओर से लोक अभियोजक के सी यादव द्वारा पैरवी की गई। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अशोक कुमार शर्मा साहब द्वारा ब्रजेश बंसल के प्रकरण में 7 साल की सजा एवं 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। प्रकरण इस प्रकार था कि ब्रजेश बंसल अकाउंटेंट के पद पर आरकेबी एवं मेडिकल के पद पर कार्यरत था। उसने अपने अकाउंट के पद का दुरुपयोग करते हुए उसमें धोखाधड़ी करने की नीयत से अब कंपनी के खाते में से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करें और उसने उसका शेयर मार्केट में लेकर सट्टा खेला, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय पुलिस द्वारा इसमें विवेचना की गई और विवेचना के दौरान सभी दस्तावेजों को कलेक्ट करें और एक चेन से कंपनी का अकाउंट एवं बैंक के अकाउंट और शेयर मार्केट के अकाउंट को एक चेन बनाते हुए उसके साक्ष्यों की जब साक्षी करवाई गई तो माननीय न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी द्वारा उसमें गबन किया गया जो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का था, जिसके आधार पर आरोपी को 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 7 साल की सजा दी गई थी। यह आपके नाम? मैं लोक अभियोजक धार के सी यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।